एटाके थाना अलीगंज के जुनैदपुर गांव में एक युवक की मौत हो गई है। युवक के पिता ने बताया कि प्रताप हरियाणा में मजदूरी का काम करने गया हुआ था। उसकी पत्नी पिंकी ने मकान मालिक के साथ मिलकर उसकी पिटाई हरियाणा में की थी। प्रताप अपने गांव आ गया, आने के कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई शुरू हो सकेगी। क्या नाम है आपका? राम किशन। क्या हुआ था ये पूरा मामला? ये हमारे दो लड़के हरियाणा गए थे, वहाँ मजदूरी करने के लिए। प्रताप बड़ा है, अनमोल छोटा है। वहाँ ये फैक्ट्री में उसकी औरत पिंकी और मकान मालिक ने उसकी पिंकी ने अवैध कार्यों के कारण मकान मालिक से अवैध संबंध और उसी ने शराब पी करके मार लगाई है। इतना मारा तीन मंजिल से ढकेल कर जीना में और काफ़ी मार लगा करके उसने रात भर घर आकर के हमारे लड़के ने किसी कारण बस ले आया किसी तरीके से और वो आकर 10 बजे दम तोड़ दिया उसने। इस मामले को लेके आपने कुछ पुलिस में कंप्लेंट की है क्या? कुछ नहीं कर पाया तब तक वो उसका। आगे का कोई शिकायती पत्र देंगे क्या पुलिस को? पुलिस को कल दे चुके हैं पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ आई है का? ये क्या पूरा मामला हुआ था? मामला ये हुआ है दिन में ये थोड़ी बहुत इनने दारू जे लड़कों को लाती थी कमरे पे, ठीक है, लड़कन से बात करती थी, लड़कों को रखती थी। इनने मारा अपने भाभी को, ठीक है, फिर इनने मारा तो उनने फिर इनके ऊपर इतना मारा जो मकान मालिक आओ दारू पी के इनने वापस मकान मालिक को मरवाओ। फिर ऊपर से 3 मंजिल धक्का मार मार के गर्दन पर लात मार मार के तब नीचे धक्का मार के लाओ और नीचे भी बहुत मारो डंडों से और हाथों से लातों से तब गेट के बाहर फेंक दो।